आज बात करने वाले हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज़ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसकी हम बात करेंगे इसमें। इसमें हम 30+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए भी हुए हैं। ठीक है, जैसे नेट हो गया, सेट हो गया, और भी इस तरह के एग्जामों में जहाँ पे क्वेश्चन आए हैं व्यापम की परीक्षाओं में, तो सबको अपन लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, अच्छा इसमें आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो। अनदर नेम ऑफ द मैलिक सॉन्ग इज, मैलिक सॉन्ग का जो एक और नाम है वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैलिक सॉन्ग है इसको लिरिक भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि लिरिक को ही क्या बोलते हैं, मैलिक सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है पॉइंट्स आउट सोसाइटी फ्लॉज। ठीक है, सोसाइटी फ्लॉज किसे बोलते हैं, जिसमें सामाजिक स्तर को क्या किया जाता है, बताया जाता है, ऐसे जो, या उसको सुधारने का कार्य किया जाता है, तो ऐसे जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है उसको क्या कहते हैं, सटायर, बैलेड, इपिक या लिरिक। तो ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं सटायर। ठीक है, तो सटायर पॉइंट्स आउट सोसाइटीज फ्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है डैश इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंस थिंग्स इंडिकेटेड बाय द वर्ड लाइक ए और एज। लाइक और एज ऐसे दो शब्द हैं जो फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का क्वेश्चन बता रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा मिला जो एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है जिसमें लाइक और एज आता है, ऐसा कौन सा जो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री वो है आपका, क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो ध्यान रखिएगा, उससे बोलते हैं सिमिली। ठीक है, तो सिमिली ही जो है उसमें जो है आपका लाइक और एज आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल इमोशन, सिंगल एप्शन, इम्पशन, मतलब जिसमें एक सिंगल इम्पशन, मतलब सिंगल संकेत होता है, ऐसे को कौन सा, मतलब कौन सी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री उसे बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं, बैलेट बोलते हैं, लिरिक बोलते हैं, या सटायर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं लिरिक, या फिर एक होता है ऑड। ठीक है, दो होते हैं, तो लॉर्ड ऑड जो है वो लंबा है, लंबा सॉन्ग होता है, लिरिक जो है छोटा सॉन्ग होता है। ठीक है, दोनों में सिंगल इमोशन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लिरिक इसका आंसर होगा। ऑड अगर होता तो ऑड और, हालांकि दोनों ऑप्शन साथ में आएंगे नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। स्विफ्ट गुलीवर ट्रेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। स्विफ्ट गुलीवर ट्रेवल्स निम्न में से क्या है, एलिजी है, सटायर है, पोएट्री है, या ऐसे है। तो ध्यान रखिएगा, ये सटायर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सटायर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सटायर मतलब होता है व्यंगात्मक, जो सुधार के लिए हो, तो ये जो है स्विफ्ट ग्लेवर ट्रेवल्स जो है सटायर है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे, इज डैश इज अ स्टेटमेंट इन विच द इम्प्लीसिट मीनिंग इंटेंडेड बाय द स्पीकर डिफर्स फ्रॉम दैट विच ही ऑस्टेंसिवली असर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हालांकि ये क्वेश्चन है ऐसा, मतलब जिस, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें जो है कोई विशेष प्रकार की मीनिंग हो, जिसमें जो स्पीकर है वो क्या कर रहा हो, मतलब जो वक्ता है वो क्या बता रहा हो, मतलब किसी प्रकार की चीज़ के बारे में उसको उठाना चाहता हो, उसके बारे में विशेष प्रकार की बात करना चाह रहा हो, तो ऐसे जो उसको क्या कहते हैं, फिगर ऑफ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को क्या कहते हैं, आंट्री बोलते हैं, टोन बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, परसोना बोलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका आयरनी कहलाता है, क्योंकि वो व्यंग करता है, स्पीकर जो उसमें, जिसमें क्या कहता है, डिफर करता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यंग कहलाता है। ठीक है, आयरनी। ठीक है, आयरनी। आप आगे चलते हैं, लिसिडास वॉज रिटन बाय, लिसिडास किसने लिखी थी, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिसिडास किसने लिखी थी, तो ध्यान रखिएगा, लिसिडास किसने लिखी थी, 7 नंबर का ऑप्शन होगा सी, मिल्टन ने लिखी थी। ठीक है, मिल्टन ने लिखी थी लिसिडास, याद रखिएगा, ये आई मिल्टन में आता है और लिसिडास में आई आता है, तो इस प्रकार से कोई ट्रिक बना के आप लोग याद कर सकते हैं, मिल्टन ने लिखी थी लिसिडास। ठीक है, नेक्स्ट है सैलीज एडोनेसी, एडोनेस इज एन एलिजी ऑन। ठीक है, अच्छा, जो सैली ने लिखा था एडोनेस, ठीक है, एडोनेस, इसको जो ये एलिजी है किसके लिए है,
ठीक है, किसके लिए इस एलिजी को लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, सैली ने जो लिखा था वो लिखा था कीट्स के लिए, और कीट्स ने लिखा था सैली के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के दोनों जो है दोनों एक दूसरे के लिए लिखे थे एलिजी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? डैश इज एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल। ठीक है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसको जो है एग्जाल्टेड बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, और एक विशेष प्रकार का क्या हो जिसमें टोन हो, स्टाइल हो, उसे क्या कहते हैं? बैलेट बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, या लिरिक बोलते हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं लिरिक। ठीक है, लिरिक बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर को एग्जाल्टेड किया जाता है, बढ़ाया चढ़ाया जाता है। ग्रीफ प्लेज अ डोमिनेंट इमोशन पार्ट इज, जो ग्रीफ दुख भरी जो कहानी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको भैया बोलते हैं एलिजी। ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी चीज़ का दुख प्रकट करना है तो उसको क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीफ मतलब होता है दुख। द सटायर इज ऑफ ओरिजन, जो सटायर है वो कैसा ओरिजन है? आपको 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है, तो आपको मिला है मेडिएवल, क्लासिकल, मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी। ठीक है, मेडिएवल मतलब बीच का है, मॉडर्न मतलब आधुनिक है, क्लासिक मतलब जो बीच और मॉडर्न के बीच का है, और कंटेम्प्रेरी मतलब पुराना है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लासिकल है। ठीक है, सटायर जो है क्लासिकल कहलाता है, मतलब जो किस टाइम पे आए, मतलब समय आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का ऑप्शन आपका होगा क्लासिकल, बी ऑप्शन। लिसिडास इज अ लैमेंट ऑन मिल्टन्स फ्रेंड, जो मिल्टन के किस फ्रेंड को, मतलब के दुख में जो है लिसिडास लिखा था मिल्टन ने। तो आपको मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है, जब आपको मैंने एलिजी पढ़ाई थी तो मैंने आपको इसको बताया भी था, अगर आप लोग को याद हो तो उसका नाम था एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग जो थे उसके दुख के, उनके मृत्यु के कारण जो है मिल्टन ने लिखा था लिसिडास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर्स सोनेट आर कॉमनली कॉल्ड एज, जो सोनेट है शेक्सपियर की उसको कॉमनली क्या कहते हैं? लव सोनेट बोलते हैं, रिमेम्बरेंस बोलते हैं, रिमेनिसेंस बोलते हैं, या नॉस्टल्गिया बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं रिमेम्बरेंस। ठीक है, मतलब जो अपनी वो याद पे लिखते थे उसको जो है शेक्सपियर की जो जितनी भी सोनेट है ना उनको एक नाम दिया गया, क्या? रिमेम्बरेंस। ठीक है, द सोनेट्स वर इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द अर्ली 13th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या 12th सेंचुरी। तो मैंने आपको बताया था सोनेट का जो ओरिजिन हुआ था, इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसको कब कराया गया था, ये मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसको जिसकी खोज हुई थी वो हुई थी 16th सेंचुरी में। ठीक है, ओरिजिनली इंग्लैंड में, वैसे इसकी जो हुई थी 13th सेंचुरी में। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में ये पहुंचा था कब? 16th सेंचुरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। अर्ल ऑफ सूरे रोट हिज सोनेट इन क्वाड्रेंस, अर्ल ऑफ सूरे जो क्वाड्रेंस में लिखी गई थी वो कितने क्वाड्रेंस थे उसमें? 1, 2, 4 और 3। तो क्या इसमें ऑप्शन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अर्ल ऑफ सूरी में 3 क्वाड्रेंस थे, अर्ल ऑफ सूरी रोट हिज सोनेट इन 3 क्वाड्रेंस। ठीक है, क्वाड्रेंस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, क्वाड्रेंस मतलब होता है 4 लाइन। ठीक है, 4 लाइन की जो थी वो कितने, 4 लाइन में कितने स्टेंजा में थे? 3 स्टेंजा में। ठीक है, द इटालियन सोनेट आर अदरवाइज कॉल्ड एज सोनेट। ठीक है, इटालियन सोनेट को और किस सोनेट के नाम से आप जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इटालियन सोनेट को अपन लोग पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इटालियन सोनेट आर अदरवाइज कॉल्ड एज सोनेट्स पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? द डैश पोएम ऑफ मिल्टन, देखिए जितने भी ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, मैं सब आपको पढ़ाया हुआ है 5 क्लासों में। ठीक है, सोनेट को अलग, ऑड को अलग, लिरिक को अलग, एलेजी को अलग, सबको मैंने अलग अलग पढ़ाया है। ठीक है, अच्छे से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ना मिल रहा हो ना तो आप मुझे फिर इस नंबर पर मैसेज कर दें व्हाट्सअप में, और ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे इस नंबर से। आप नेम बस लिख देना है, आपको प्लेस लिख देना है, तो मैं आपको पूरी चीज़ भेज दूंगा, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं ये बता देंगे। तो
द डैस पोएम ऑफ मिल्टन रिवाइव्ड द इटालियन फॉर्म. ठीक है, जो अब जो पोएम है जो इटालियन फॉर्म में क्या हुई थी, रिवाइव्ड हुई थी, मतलब आई थी मिल्टन की, वो उसका नाम क्या है. लिसिडास है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी है. तो कौन सी वो पोएम है जो मतलब इटालियन फॉर्म में क्या हुई थी, आई थी. तो 17 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑप्शन होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो आई थी. ठीक है, इटालियन फॉर्म में, बाकी वो इंग्लिश ही लिखते थे. द हॉरेशियन ओड इज ऑल्सो, हॉरेशियन ओड को और किस नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है. हॉरेशियन ओड को लेस्बियन ओड के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा, हॉरेशियन ओड को जो है लेस्बियन ओड के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑड एंड द लिरिक हैज़ इट्स, ऑड और लिरिक जो है ये कहाँ का ओरिजिन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. तो ये भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी, जितने भी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है मैंने आपको बताई थी कि कहाँ से ओरिजिनेटेड हैं. तो ये है ग्रीस से, ऑड और लिरिक कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ग्रीस से. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम डाइलिंग विथ डैश इमोशन. अब मल्टीपल इमोशन, डबल इमोशन, ट्रायंगुलर इमोशन या सिंगल इमोशन, तो ध्यान रखिएगा ये सिंगल इमोशन पे लिखी जाती है लिरिक. लिरिक और ऑड जो है ना, लिरिक और ऑड जो है ना, ये लगभग एक ही तरह के होते हैं. ये सिंगल इमोशन पे ये भी होती है, ये भी होती है, ये शॉर्ट होती है और ये लॉन्ग होती है, बस इतना अंतर इसमें होता है. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द सटायर ऑफ ड्राइडन एंड पॉप आर मोर पर्सनल, फेमिनिस्टिक, स्ट्रॉन्ग या सेस्टिमेंटल. तो आपको इसमें ऑप्शन बताना है क्या इसका होगा. 21 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, द सटायर ऑफ ड्राइडन और पॉप, दो ड्राइडन और पॉप दो नाम की, दो ये जो सटायरिस्ट थे वो कैसा लिखते थे, तो ये फेमिनिस्ट लिखते थे. ठीक है, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा लिखना है ना, किसी पे पर्सनल नहीं लिखते थे, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा मतलब ये लोग ऐसा लिखने का प्रयास करते थे. विक्टोरियन एज इज एन एज ऑफ सटायर, तो जो विक्टोरियन एज है वो कैसी एज है सटायर की, ये आपसे पूछा गया है. तो ध्यान रखिएगा ये है आपकी वर्स. ठीक है, वर्स सटायर कहलाते हैं. ब्लैंक सटायर, क्रिटिकल सटायर, लिरिक सटायर, ये कुछ नहीं होता, वर्स सटायर होता है. विक्टोरियन एज इन एज मतलब जो विक्टोरियन एज में जो सटायर थे वो वर्स सटायर कहलाती थी. ठीक है, सटायर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ऑन द कंटेम्प्रेरी डैश एंड डैश, प्रोज एंड पोएट्री, एसे एंड ड्रामा, नॉवेल एंड ड्रामा या मैगजीन एंड न्यूज़पेपर. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है, इसमें आपको ध्यान रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है. सटायर एक्सप्रेस इटसेल्फ ऑन द, मतलब सटायर को किस प्रकार से क्या होता है, एक्सप्रेस होता है कितने प्रकार से, तो ये चीज़ क्वेश्चन आपका पूछ रहा है. ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा नोवेल और ड्रामा में सटायर का जो है अच्छा प्रयोग जो है किया जाता है. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोवेल और ड्रामा में, फिक्शन और ड्रामा, नाटक. 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अ डैश मेटाफर कंबाइंस टू और मोर डाइवर्स मेटाफोलिक व्हीकल. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो मेटाफर का जो दो और दो से अधिक जो मेटाफोलिक व्हीकल्स है वो पूछा जा रहा है आपसे. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मेटाफर का मिक्स्ड. ठीक है, मेटाफोर में दो मिक्स क्या होता है, मेटाफोर और सिमिली. ठीक है, दो चीज़ को इसमें जो है मिला जुला के बताता है. ऑल द वर्ड, दोनों मतलब है एक ही चीज़, बस उसमें क्या है डायरेक्ट अगर उस कंपैरिजन किया जाए तो उसे बोला जाता है आपका सोनेट, और अगर मान लीजिए सोनेट सॉरी बोल रहा हूँ मैं, उसको बोला जाता है आपका सिमिली, और मेटाफर मतलब होता है जो इनडायरेक्ट जो कंपैरिजन होता है. ऑल द वर्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वूमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एक्सट्रेंस बाय विलियम शेक्सपियर इज एन एग्जाम ऑफ मेटाफर. मतलब देखिए जो ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे विलियम शेक्सपियर, तो उसका जो पूछ रहा है आपसे कि इसमें कौन किनका ज़्यादा वो प्रयोग करते थे, तो मेटाफर का यूज जो है विलियम शेक्सपियर जो है ज़्यादा करते थे. एन एलिजी इज़ अ
एलजी जो है उसको और क्या कहते हैं, तो एलजी को सॉन्ग ऑफ लेमेंट भी बोलते हैं। बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, 26 नंबर का सी जो एलजी होता है, सॉन्ग ऑफ लेमेंट मतलब दुख भरी कहानी या दुख भरा गाना ही क्या कहलाता है, एलजी कहलाता है। द वर्ड सटायर इज़ डाइवर्स फ्रॉम, जो वर्ड सटायर है वो कहाँ से क्या हुआ, डाइवर्ड हुआ, तो डाइवर्ड हो मतलब उसको उसमें परिवर्तित किया गया या कहाँ से उसका वो हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 27 का बी है, ग्रीक वर्ड से, ये मैंने आपको बताया भी है, सटायर जो है ग्रीक वर्ड से है, ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में। द थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक, जो इम्पर्सनल लिरिक की जो थीम है वो क्या है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फेस्टिवल्स है, ठीक है, या आपका क्या बोलते हैं पब्लिक इवेंट है या मैरिज है या ऑल ऑफ दीज है, तो बिल्कुल इसका सही है ऑल ऑफ दिस। जो लिरिक होती है किसी भी एक चीज़ को उठा करके उसके बारे में बता सकती है, चाहे वो फेस्टिवल का हो, चाहे वो पब्लिक का हो, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, लव का हो, बिल्कुल बताया जाता है। वॉट इज़ अ सोनेट, सोनेट क्या है, ठीक है, ये आपसे बोल रहा है कि वॉट इज़ अ सोनेट, सोनेट क्या है, अ प्रोज स्पेशल नेचर, अ सेक्रेट पोएम ऑफ अ रिप्यूटेड पोएम पोएट, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, क्रिटिसिज्म ऑफ अ पोएम। तो अब इसमें यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है, तो ध्यान रखिएगा 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सोनेट में जो है 14 ही लाइन होती हैं, ये कन्फर्म बात होती है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, द कैवेलियर पोएट आर ग्रेट लवर्स ऑफ, जो कैवेलियर पोएट थे वो किस चीज़ के ज़्यादा लवर थे, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा लिखते थे, तो नेचर के बारे में लिखते थे। अब ये कैवेलियर पोएट क्या कहलाते हैं, तो ये 17 सेंचुरी के जो पोएट थे ना उनको कैवेलियर पोएट कहते हैं, जो चार्ल्स को सपोर्ट करते थे, जो किंग चार्ल्स थे ना ब्रिटेन के, जो किंग चार्ल्स थे, चार्ल्स को जो सपोर्ट करते थे वो किंग, वो कहलाते थे कैवेलियर पोएट, और वो ज़्यादातर किस पे लिखते थे, नेचर पर लिखते थे, ठीक है। तो ये वीडियो आज समाप्त हुई, और आप लोग को अगर ये तो इसकी आंसर शीट वगैरह मैंने इसमें दी हुई है, तो बात चीज़ आपको समझ में आई होगी, 30 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, उम्मीद अच्छा लगा होगा, इसको शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, तो मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँगा और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। ये नंबर है, ठीक है, इस पे आप अपना नेम और प्लेस लिखकर भेज देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।